हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 7, जिसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं फंगाई के बारे में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपन करने वाले फंगाई किंगडम स्टार्ट करने वाले। तो देखो, इस कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिज्म रखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, उसमें क्या क्या फीचर होते हैं एक बार देख लेते हैं। पर देखो, यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होने चाहिए, हेटरोट्रॉपिक होने चाहिए, और साथ में क्या, हेटरोट्रॉपिक का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक नहीं होगा, पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, और सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। अपन सब जानते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और फंगस में किसकी बनी होती है, काइटिन की। यही वजह है कि काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो ये सारे जो फीचर होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, जनरली उन्हें अपन किस में रखते हैं, फंगाई किंगडम में रखते हैं। देखो, फंगस में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, लेकिन ईस्ट जो है, जिसे सेक्रोमाइसीज उसका एक मेंबर है, वो जो है वो किस में होगा, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, लेकिन उसके बाकी फीचर्स जो है वो फंगस से मैच करते हैं। तो अपन पहले देखते हैं हैबिटेट के बारे में कि फंगाई जो है कहां पर होती है। तो देखो, अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब है कि बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी वाले जगह पर ये होती है, मतलब अलग अलग जगह पर क्या होती है, फंगस अवेलेबल होती है। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड अकर इन एयर, वॉटर, सॉइल, एनिमल के एनिमल प्लांट के ऊपर, जो पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, सिम्बायोंट के फॉर्म में भी होती है, अभी अपन एग्जांपल देखेंगे। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है इसके हैबिटाट में, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन कहेंगे, हैबिटाट के फॉर्म में, ठीक है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। देखो, जब ह्यूमिडिटी मिलती है किसी जगह पर और ज्यादा मतलब वो कहते हैं टेम्परेचर मिलता है, तो ये आसानी से ग्रो करती है। तो फंगस के ग्रो करने के लिए जो वो कहते हैं ना आइडियल कंडीशन होती है, वो क्या होती है, आसपास ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये चीज कुछ बैक्टीरिया के लिए भी जरूरी होती है, बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि फूड वगैरह को जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो खराब क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और वो कम टेम्परेचर फंगाई के ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो फंगाई जो है उससे बचने के लिए अपन खाने वाने को कहां रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख देते हैं। जो मेन चीज है अपन को ये याद रखनी है कि फंगस जो है उनको ग्रो करने के लिए प्रिफर्ड कंडीशन क्या है, वार्म टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर इतनी ज्यादा वेराइटी हैबिटाट में, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट डाइवर्सिटी किस किंगडम में होती है, तो अपन को क्या लिखना है, फंगाई लिखना है। इससे पहले भी अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें थी, प्रोटिस्टा में थी, और मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें थी, मोनेरा में थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, और अगर स्ट्रक्चर को पहले अपन सेल लेवल पे देखें तो जो फंगस होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का होना, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का होना, न्यूक्लियोलस का प्रेजेंट होना, हिस्टोन प्रोटीन का प्रेजेंट होना, वो वगैरह जो भी फीचर है, एटीएस टाइप का राइबोसोम होना, वो सारे इसमें भी होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब कोई दूसरे तरह के पिगमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पिगमेंट नहीं होंगे जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है, और इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, और यही वजह है कि ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, फंगाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, और इसका एक एक्सेप्शन होता है ईस्ट, ठीक है। देखो, ईस्ट जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरह के मतलब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है, वैरायटी मिलती है। जैसे कुछ नाम, जैसे अपनी एनसीईआरटी में एक जगह पर ईस्ट के ब्रैकेट पर लिखा हुआ है सैक्रोमाइसीज, तो सैक्रोमाइसीज ईस्ट का एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। और भी तरह के ईस्ट होते हैं, जितने भी ईस्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, सिंगल सेलुलर होते हैं। बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर, अब जो भी मल्टी सेलुलर मतलब अपने फंगाई है, मतलब इसके अलावा बाकी सारे हैं,
वो सारे जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है फिलामेंटस होती है, उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइफा, और प्लूरल में इसे क्या कहेंगे, हाइफी हाइफे कुछ भी आप रीड करो, जो भी। नेटवर्क ऑफ हाइफी जो बनता है उसे अपन कहते हैं माइसीलियम। देखो जैसे ये एक थ्रेड है, चाहे इस पैटर्न का हो चाहे इस पैटर्न का, इन दोनों में क्या अलग है उसे भी अभी अपन समझते हैं। जो भी एक जैसे ऐसे थ्रेड है उसका नेटवर्क बनेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे ये वाली लाइन एक हाइफी है, ये वाली लाइन एक हाइफा है, ये वाली लाइन एक हाइफा है, ये आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं। इस पूरे को क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। अब देखो कुछ टर्म है उनको अच्छे से समझते हैं। देखो फंगस जो होती है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जनरली कैसी होती है, मल्टी सेलुलर ही होती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर में, ईस्ट या सैक्रोमाइसीज। अब देखो जो यूनिसेलुलर है उसमें तो कोई माइसीलियम वगैरह बनेंगे नहीं, तो उन्हें नॉन माइसीलियल भी कह सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें माइसीलियम वगैरह बनते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, माइसीलियल कहेंगे। क्या कहेंगे, माइसीलियल, ठीक है। अब जो ये माइसीलियल वाली फंगाई है ये भी दो तरह की हो सकती है कि इनका हाइफिक या हाइफा कैसा है। अगर उसके हाइफा में कोई भी क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जैसे ये देखो इनमें डॉट डॉट जो डिनोट कर रखे वो तो न्यूक्लियस को डिनोट कर रहे, उनके अंदर कोई भी क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि यहां पे देखो ऐसे क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर, ऐसे लाइन है, इन लाइन को कहते हैं सेप्टा। तो सेप्टा है या नहीं है, अगर सेप्टा नहीं है तो उसे कहेंगे ए सेप्टेड हाइफी, और सेप्टा है तो उसे क्या कहेंगे, सेप्टेड हाइफी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ए सेप्टेड हाइफी कौन सी होती है, जिसमें कंटिन्यूअस ट्यूब होती है विदाउट सेप्टा, और फिर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, और इस बहुत सारे न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होगा उसे क्या कहेंगे, कॉइनोसाइटिक, ठीक है, कॉइनोसाइटिक हाइफी, ठीक है, जिसमें एक हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस है और सेप्टा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफी जो होती है और जिसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे, कॉइनोसाइटिक हाइफी, ठीक है। फिर सेप्टेड हाइफी जो है उसके अंदर सेप्टा होता है। अब एक सेप्टा वाला जो सेगमेंट बनेगा उस सेगमेंट में कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है तो इसे कहेंगे मोनोकैरियोटिक, दो न्यूक्लियस है तो डाईकैरियोटिक, दो से ज्यादा है तो मल्टीकैरियोटिक, ठीक है। तो फंगाई जो होती है, अगर आपको पूछे कि माइसीलियल और नॉन माइसीलियल फंगाई क्या होती है, तो माइसीलियल वो होगी जिसमें माइसीलियम होगा, नॉन माइसीलियल वो होगी जिसमें माइसीलियम नहीं होगा। माइसीलियम किसमें नहीं होगा, जो यूनिसेलुलर होगी। जो माइसीलियम जिनमें है वो मल्टी सेलुलर होगी, वो भी दो तरीके की हो सकती है, किसके बेसिस पे, हाइफा के बेसिस पे, क्या उसके हाइफा में सेप्टा है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे एसेप्टेड कहेंगे, और अगर है तो उसे सेप्टेड कहेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, न्यूट्रिशन। तो देखो फंगस जो होती है वो कैसी होती है, हेटरोट्रॉपिक होती है, मतलब ना फूड खुद नहीं बना पाती। अब इसमें भी देखा जाए तो फंगस जनरली कैसी होती है, सेप्रोफाइटिक होती है। सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब है, जो ये जो फंगस जो होते हैं वो डेड और डिकेड सब्सटेंस से अपना क्या करते हैं, फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, जो भी थिंग होती है ऐसी डेड और डिकेड उनके ऊपर क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं बाहर, और फिर उससे जो भी है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यही वजह अपन ने स्टार्ट में देखा था, जब अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, कि ये एक कौन सा मोड है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, दे एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा, वो बाहर डाइजेस्ट करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, ठीक है। जैसे कि राइजोपस, अपने अगर कभी ब्रेड वगैरह देखी हो तो उसपे ग्रीन कलर की एक ऐसे फंगस लग जाती है अगर खराब होने के बाद, तो वो कौन सी होती है, राइजोपस होती है, ब्रेड माउल्ड कहते हैं, ठीक है। माउल्ड का मतलब फंगस, ब्रेड मतलब ब्रेड, ठीक है। मशरूम जो होती है आपने सुना होगा, वो भी एक तरह की फंगस है। टोड स्टूल जो है ये भी एक तरह की फंगस है, ये दिखने में लगभग मशरूम जैसी ही दिखती है, लेकिन ये कैसी होती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक फंगस। देखो पैरासाइटिक फंगस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होंगे, वो या तो एनिमल या प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उन्हें क्या करेंगे, डिजीज देंगे। तो वो जनरली कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। जैसे एल्बुगो, एल्बुगो जो है पैरासाइटिक फंगस है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, और उसपे कौन सी डिजीज बनाती है, व्हाइट स्पॉट बना देती है लीफ के ऊपर, ठीक है। एक है एस्परजिलस, ये जो है ह्यूमन के ऊपर भी पैरासाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक,
कुछ फंगस ऐसी होती है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। और क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा होता है। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल है लाइकन और एक है माइकोराइजा। लाइकन जो होती है वो क्या होती है, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसे अपन इसी चैप्टर में आगे डिटेल में करने वाले, तो यहां डिस्कस नहीं करते। और माइकोराइजा जो होती है वो फंगस और हायर प्लांट की रूट का एसोसिएशन है, जहां पर फंगस क्या करती है हायर प्लांट की रूट के अंदर होती है और वहां से क्या करती है फूड वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेती है। बदले में वो हायर प्लांट की रूट में क्या करती है, रूट हेयर का काम करती है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, ऐसा एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। तो ये तो था फंगस के न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट लेते हैं अपन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड। पहले देखते हैं वेजिटेटिव मोड। तो देखो वेजिटेटिव मोड में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फ्यूजन से। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर फंगस में होता है, बोले तो माइसीलियल फंगस में। और बर्डिंग और फ्यूजन जो होता है वो यूनिसेलुलर फंगस में, बोले तो नॉन माइसीलियल फंगस में होता है। बडिंग में क्या होता है कि जो फंगस जो होती है उसमें जो उसका माइसीलियम जो होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं, और जो भी टुकड़े बने हैं वो ग्रो करने लगते हैं और नया माइसीलियम बना लेते हैं। बोले तो जितने टुकड़े हो जाएंगे वो सारे टुकड़े क्या करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इस चीज को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन सारे माइसीलियल फंगस में होता है। ठीक है, अब बडिंग और फ्यूजन की बात करें तो ये जो दोनों मोड है, ये दोनों के दोनों मोड जो है वो किस में होते हैं, ये दोनों मोड यूनिसेलुलर फंगस में होते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस। तो पहले तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस से क्या होते हैं दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर इसके चारों तरफ देखो, इसके बाहर की तरफ एक छोटी सी बड निकलती है, या तो एक तरीका ये हो सकता है या फिर ऐसे दो इक्वल हाफ बन सकते हैं। ठीक है, और ये एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और इसमें भी ऐसे दो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोड तो कहलाता है बडिंग और ये क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन। बडिंग में क्या होता है, सेल के ऊपर एक स्मॉल बड निकलती है और कैरियोकाइनेसिस से जो दो न्यूक्लियस बना है उसमें से एक न्यूक्लियस उसमें चला जाता है। और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि दो इक्वल हाफ बनते हैं और दोनों में एक एक जो कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियस बना है वो चला जाता है। बडिंग में जो दो सेल बनती है वो इनिशियली दोनों एक साइज की नहीं बनती, बड वाली जो सेल है वो स्मॉल होगी, बाद में ग्रो करके बड़ी होगी। और बाइनरी फ्यूजन में दोनों सेल क्या होती है, एक जैसी ही बनती। ठीक है, बडिंग जो होता है वो सैक्रोमाइसीज में होता है और फ्यूजन जो है साइजोसैक्रोमाइसीज में होता है। और ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है और दोनों ईस्ट के ही एग्जाम्पल है, कोई तकलीफ नहीं यहां पर। एक और चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फ्यूजन यहां पर तो अपनी बुक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दे रखा है, बाकी ये जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, ये जो होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कहीं पे पढ़ाए जाए तो गलत नहीं है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएंगे और ये सारे नाम आपको किस में देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहां पर हो रहा है वो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि कोनिडिया, जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर से होता है। अब अपन इसको समझते, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से, ये सारे स्पोर ही है तो स्पोर से होता है। स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो किस में होता है, फ्रूटिंग बॉडी में होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्रूटिंग बॉडी होती क्या है? तो जनरली जो माइसीलियम होता है उसकी जो हाइफी होती है वो सारी लेटी हुई होती है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, जिसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट हाइफी। और वहां प्रोस्ट्रेट हाइफी में रिप्रोडक्शन के समय क्या होती है, इरेक्ट या अपराइट हाइफी निकलती है। और ये अपराइट हाइफी या इरेक्ट हाइफी जो है वो किसका काम करती है, फ्रूटिंग बॉडी का काम करती है। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, अपराइट हाइफी से या इरेक्ट हाइफी से बना हुआ माइसीलियम समझ सकते हैं। ठीक है, और जिसमें बाद में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी इज स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अपराइट और इरेक्ट हाइफी। अब इससे अपने स्पोर बनने, अब स्पोर बनना भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्पोर फॉर्मेशन इस अपराइट हाइफी या फ्रूटिंग हाइफी या बॉडी के अंदर ही बने, और एक इससे बाहर की तरफ बने, कैसे वो अभी अपन देखेंगे। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है दो तरीके के हो सकता है, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस के केस में क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है इसका जो टिप है वो बहुत बड़ा सा हो जाता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है
उस न्यूक्लियस में माइटोसिस हो के बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और फिर उसके चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होकर उसकी बाउंड्री बनकर अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं। और ये सारे स्पोर जो बनते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे उसे कहेंगे स्पोरेंजियम, और ये जो स्पोर है इसे कहेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। और ये कैसे होते हैं ओरिजिन में, एंडोजिनस, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे। और फ्रूटिंग बॉडी का वो हिस्सा जिसके ऊपर ये लगे हुए उसे कहेंगे स्पोरेंजियो फोर, PHORE। मैंने पहले भी बताया था इसका क्या मतलब होता है, कुछ होना, तो स्पोरेंजियो फोर का मतलब जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियो फोर, ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर वाला क्या है, स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम, और उसके अंदर जो बने हैं वो स्पोरेंजियो स्पोर कहलाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये स्पोरेंजियो स्पोर दो तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल होंगे तो इनके ऊपर क्या निकलेगी, फ्लैजिला निकलेगी। तो अगर स्पोरेंजियो स्पोर मोटाइल है तो उन्हें कहेंगे जू स्पोर, और अगर स्पोरेंजियो स्पोर जो है नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते, तो फिर मूव नहीं कर पाएंगे तो कैसे जाएंगे, फिर वो एयर के थ्रू या फिर किसी और मोड से, मतलब पैसिवली फ्लोट करके जा सकते, वो खुद स्विम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कहलाएंगे एप्लेनो स्पोर। क्या कहलाएंगे, एप्लेनो स्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर दो तरीके के होते हैं, जू स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, एप्लेनो स्पोर जो कि कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो है इसका टिप जो है वो थोड़ी सी आउटग्रोथ दे और टूट जाए, और टूट के एक क्या बना लेगा, स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर नीचे वाला पार्ट फिर फूलेगा और ऐसे स्प्लिट होकर फिर एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, और ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ऊपर खिसक जाएगा, नीचे नया बन जाएगा। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कहते हैं एक्सोजिनस स्पोर, और यहां पर जो एक्सोजिनस स्पोर है उसे कहेंगे कॉनिडियम। क्या कहेंगे, कॉनिडियम। कॉनिडियम सिंगुलर वर्ड है, और जो भी ऐसे एक साथ प्लूरल वर्ड जो होगा उसे कहेंगे कॉनिडियम। जो सबसे पहला बना था वो ऊपर खिसक जाएगा, उसके नीचे नीचे नए नए बनते रहेंगे, मतलब जो सबसे टिप पर है वो सबसे ओल्ड कॉनिडियम है, और जो सबसे नीचे बना है नया वो कैसा है, न्यूएस्ट कॉनिडियम है। और ये कॉनिडियम जो बन रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर के बन बन के ऐसे बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये एक्सोजीनस क्या कहलाएंगे, स्पोर कहलाएंगे। जैसे स्पोरेंजियो स्पोर जिसके नीचे, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था इसको क्या बोला था, स्पोरेंजियो फोर बोला था, इस वाले स्ट्रक्चर को नीचे वाले को क्या कहेंगे, कॉनिडियो फोर कहेंगे, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब मेरी बात सुनना, ये चाहे कॉनिडिया बने और चाहे ये जू स्पोर एप्लेनो स्पोर टाइप के स्पोरेंजियो स्पोर बने, ये दोनों स्पोर जो होंगे ऐसे ट्रेवल करते रहेंगे इधर उधर, एयर वॉटर जिसमें भी, ठीक है, जनरली ये एयर के थ्रू करते हैं, ठीक है। जहां पर भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पर ये गिरेंगे, और वहां पर गिर के ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन शो करके इनसे एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसे जर्म ट्यूब कहेंगे, और धीरे धीरे वो लंबी हो जाएगी और वही क्या बनाएगी, हाइफा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बनेंगे हाइफी, और फिर नेटवर्क बन जाएगा माइसिलियम। इस तरीके से इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं फिर बता देता हूं, स्पोर बनाने के लिए माइसिलियम से पहले इरेक्ट माइसिलियम निकलता है जिसे क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो स्पोर दो तरीके से बन सकते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडोजीनस स्पोर जो बनते हैं उनको कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर, और वो दो तरह के होते हैं, मोटाइल है तो जू स्पोर, नॉन मोटाइल है तो एप्लेनो स्पोर। और जो एक्सोजीनस स्पोर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉनिडियम, और प्लूरल में क्या कहते हैं, कॉनिडिया, ठीक है। जब फ्रूटिंग बॉडी में ये बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं, उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है या जिसमें ये बन रहे हैं उसे कहेंगे स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम, और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे स्पोरेंजियो फोर, और इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहेंगे कॉनिडियो फोर। कोई तकलीफ नहीं इन सब में। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके के स्पोर से होता है, दो तरीके के स्पोर से, एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर, जो दो तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल तो जो स्पोर, नॉन मोटाइल तो कौन से हो जाएंगे अपने, एप्लेनो स्पोर, और एक्सोजिनस जो होगा वो कौन से होंगे, कॉनिडियम होंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन स्टेप में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। देखो अपन पहले इन टर्म को अच्छे से समझते हैं। सपोज करो कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फंगस में, तो उस समय उनमें दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने, सपोज करो कि ये गैमेट बने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में इन दोनों गैमेट का जो साइटोप्लाज्म होगा वो फ्यूज हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं होगा,
और इससे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस है, दो कैरियोन्स है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डाई कैरियोन्स। क्या कहेंगे, डाई कैरियोन्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका न्यूक्लियस जो है वो भी फ्यूज हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जायगोट कहलाएगा। ये कैसे थे दोनों, एन और एन थे, ठीक है। यहां पर एन प्लस एन है, यहां पर टू एन हो चुका है। क्यों हो चुका है टू एन, क्योंकि वो फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यह मियोसिस होंगे और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोर जो होंगे सेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे, और ये स्पोर फिर वैसे वैसे जर्मिनेट होकर नया क्या बनाएंगे, एल्गी बनाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमिट, और इससे बाई न्यूक्लियेटेड डाई कैरियन बनता है। सेकेंड स्टेप में कैरियोगेमी होती है, जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, डाइकैरियन का जो न्यूक्लियस होंगे उनका फ्यूजन हो जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। और थर्ड स्टेप में जायगोट में मियोसिस होगा और उससे हैप्लोइड सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, और ये सेक्सुअल स्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो नया फंगस बन जाएगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डाइकैरियन तभी बनता है, विजिबल तभी होगा, जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में क्या हो, कुछ टाइम पीरियड का गैप हो। तो जब अपन आगे, अभी अपन जब फंगस का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां पर अपन चार ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। एक अपन करने वाले फाइकोमाइसिटीज, एक करेंगे एस्कोमाइसिटीज, एक करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, और एक करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसमें से जो फाइकोमाइसिटीज होगा उसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में कोई गैप ही नहीं होगा, बहुत ही कम माइन्यूट सा गैप होगा। यही वजह है कि उसमें डाइकैरियन बनता ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। और जब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज करेंगे तो उन दोनों में इसके बीच में गैप होगा और इसकी वजह से एक डाइकैरियन की क्या बनेगी, फेज बनेगी। तो अगर पूछे आपको कि डाइकैरियन किसमें नहीं बनता, तो फाइकोमाइसिटीज में बनेगा ही नहीं, एस्को और जो अपने बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें बनेगा। जो फोर्थ ग्रुप मैंने बताया ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो अपन नेक्स्ट में अच्छे से स्टडी करेंगे जब क्लासिफिकेशन, उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है फंगस में वो कितने स्टेप में हो जाएगा, तीन स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में जो है वो क्या होंगे, जो गैमिट जो बनेंगे वो गैमिट के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, इससे क्या बन जाएगा, डाइकैरियन बन जाएगा, ठीक है। और ये डाइकैरियन किससे बना है, अपने प्लाज्मोगेमी से बना है। उसके बाद जायगोट बन जाएगा, जायगोट किससे बना है, अपने कैरियोगेमी से बना है। और उसके बाद में अपने क्या बन जाएंगे, हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हैप्लोइड स्पोर बन जाएंगे। और ये कैसे स्पोर होंगे, सेक्सुअल स्पोर होंगे। कैसे होंगे, सेक्सुअल स्पोर, और उनके जर्मिनेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। अब देखो ये तो अपने बुक में दे रखा था, एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से जो माइसीलियम जो होता है उसमें जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो बहुत सारी तरह की वैरायटी होती है। इसे वैसे तो अपन डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे, जब क्लासे पढ़ेंगे तो जो ग्रुप पढ़ेंगे उन ग्रुप के साथ साथ ही अपन क्या करेंगे, ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो जो माइसीलियम होता है उससे गैमिट बनते, कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि अभी अपन ने समझा, कभी कभी गैमिट नहीं बनते, और कुछ माइसीलियम का कुछ हाइफी जो होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं गैमिटेंजिया, ठीक है। और कभी कभी ना तो गैमिट बनते हैं ना गैमिटेंजिया बनते हैं, ऐसे केस में कोई हाइफी जो है वो ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो गैमिट बनकर पार्टिसिपेशन हो, या गैमिटेंजिया से पार्टिसिपेशन हो, या कोई स्ट्रक्चर बने ही नहीं जो हाइफी का जो होता है। सपोज करो कि ये एक हाइफी है, ठीक है, और ये किसी दूसरे फंगस का हाइफी है, यही दोनों आपस में क्या कर देते हैं, ये दोनों ही आपस में क्या, ये वाला जो दोनों पार्ट है ये दोनों ही आपस में फ्यूज होने लगते हैं। तो जो है तीन तरीके हो सकते हैं, गैमिट बने, या गैमिटेंजिया बने, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही ना बने। अगर गैमिट बनेंगे तो उनमें गैमेटिक फ्यूजन होगा, अगर गैमिटेंजिया बनेंगे तो फिर गैमिटेंजिया का फ्यूजन होगा, वो दो तरीके से हो सकता है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, अभी देखेंगे अपन जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये कैसे होता है, या फिर गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। और अगर कोई ऑर्गन बन ही नहीं रहे तो हाइफी फ्यूज होंगे, क्योंकि हाइफी सोमेटिक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए उसे कहेंगे सोमेटोगेमी, उनका फ्यूज होने को, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर तो सेक्सुअल ही रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होगा आगे, तो सोमेटोगेमी।
ये तीनों जो स्टेप होंगे उनके यही तीन फेज होंगे। पहले चाहे गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, चाहे गैमिट एंजिया का फ्यूजन हो रहा है, चाहे ये सोमेटिक फ्यूजन हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा, और फिर उनसे क्या बनेगा, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा उसमें मियोसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगा, चाहे इनमें से कुछ भी हो। उसके बाद में एक चीज मैं यहां पर वापस याद दिला देता हूं, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में डाइकैरियन फाइकोमाइसिटीज के केस में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या होती है, कैरियोगैमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के केस में डाइकैरियोनिक स्टेज बनती है, और फोर्थ के बारे में क्या, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में क्या, उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। फिर कैरियोगैमी से जायगोट बनेंगे। अब यहां पर या तो जायगोट में मियोसिस हो जाएगा और उससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, या जो जायगोट था उससे फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, फ्रूटिंग बॉडी जैसे अभी एसेक्सुअल में डेवलप हुई थी वैसी की वैसी, और फिर उसमें मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। जो भी है हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। एक बार जब हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेशन शो करेंगे और नया क्या बना लेंगे, माइसिलियम बना लेंगे। तो ये अपने तब फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये जो बीच में ये दे रखा है इसको लेकर आप टेंशन ना ले कि ये गैमिट गैमिट क्या है, गैमिट एंजिया क्या है, ये क्या सोमेटोगैमी। जब अपन फंगस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन फंगस का क्लासिफिकेशन करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार फिर वापस अच्छे से समझेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।